तो चलिए आज फिर हम लोग शुरू करते हैं वन डायमेंशनल मोशन। तो वन डायमेंशनल मोशन में क्या क्या पढ़ना है हम लोग को पहले देख लेते हैं। वन डायमेंशनल मोशन में आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं एवरेज वेलोसिटी और इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। ये क्या डिफरेंस होता है इन दोनों में। एक्चुअली बात यह है कि बहुत सारे लोगों को कन्फ्यूजन रहता है, बहुत सारे स्टूडेंट जब पढ़ते हैं पहली बार तो एवरेज वेलोसिटी या इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी इन सब में बहुत कन्फ्यूजन रहता है कि ये दोनों में डिफरेंस क्या है। उसके बाद हमारे पास ये भी है एवरेज एक्सिलरेशन और इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन, ये भी चीज हमें पढ़ना है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो बेसिकली एवरेज वेलोसिटी क्या होता है, तो द मीन ऑफ टोटल मोशन, मतलब अगर हम पूरे मोशन का बात करते हैं ना, अगर जैसे कि यहां से मैं कहीं जा रहा हूं तो मैं पूरे मोशन यहां से वहां तक जाने के क्रम में जो पूरा मोशन मेरा हुआ है, मैं पूरे मोशन का अगर मैं बात करूं उसमें जो हमारे मेरा एवरेज आ रहा है वो हमारा एवरेज वेलोसिटी कहलाता है। इसको निकालने के तरीके हैं वो मैं बता रहा हूँ क्या है। तो अगर मुझे एवरेज वेलोसिटी चाहिए तो क्या करेंगे, मुझे पहले तो पूरा डिस्प्लेसमेंट चाहिए कि मुझे यहां से वहां तक जाने में कितना डिस्प्लेसमेंट हुआ है मेरा, और दूसरा हमें कितना टाइम लगा है। जैसे अगर मैं यहां से वहां गया, मेरा डिस्प्लेसमेंट मान लेते हैं 200 मीटर हुआ है और मुझे टाइम 10 सेकंड लगा, तो मेरा एवरेज वेलोसिटी क्या हो जाएगा, 20 मीटर पर सेकंड। ठीक है, ये हो एक तरीका होता है एवरेज वेलोसिटी निकालने का। ठीक है, इसके लिए हमें टोटल डिस्प्लेसमेंट चाहिए, किसी भी इंस्टेंट का कोई मतलब नहीं है यहाँ पे, हमें पूरा पूरा डिस्प्लेसमेंट चाहिए कि यहां से वहां तक कितना डिस्प्लेसमेंट हुआ। दूसरा क्या है, द वेलोसिटी एट एनी इंस्टेंट ऑफ टाइम इज नोन एज इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। मतलब क्या है कि किसी भी इंस्टेंट पे, जैसे कि अगर मैं थ्रू आउट द मोशन का बात, सपोज ये एक एग्जांपल मैं ले रहा हूं यहाँ पे, ठीक है, तो अगर इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी का बात करते हैं, देखो पार्टिकल ए से शुरू हुआ है और वो यहां तक गया है, ठीक है ना। अब ए से शुरू होकर के वो यहां तक गया है, उसको मान लेते हैं 6 सेकेंड या 7 सेकेंड टाइम लगा। अब मुझे चाहिए कि उसका 3 सेकेंड पे क्या वेलोसिटी था, तो अगर मुझे 3 सेकेंड पे उसका वेलोसिटी चाहिए तो ये जो वेलोसिटी 3 सेकेंड पे है इसी को हम लोग कहते हैं वेलोसिटी, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी, ठीक है ना। अगर मुझे 5 सेकेंड पे चाहिए होगा तो मैं 5 सेकेंड का बात करूंगा, ये हो गया इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी एट 5 सेकेंड। तो बेसिकली ये सिंपल सा चीज है एवरेज और इंस्टेंटेनियस का। एवरेज में हम लोग क्या करते हैं, थ्रू आउट द मोशन का बात। इंस्टेंटेनियस में क्या है कि हम लोग किसी खास इंस्टेंट ऑफ टाइम पे बात करते हैं। सिमिलरली अगर एवरेज एक्सेलरेशन का बात करें, इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन का बात करें, तो यहां भी सिमिलर फंडा है कि अगर मैं पूरे मोशन में कितना चेंज हुआ है वेलोसिटी उसको कंसिडर करते हुए कैलकुलेट करूं तो मैं एवरेज वेलोसिटी निकाल रहा हूं। तो अगर मुझे एवरेज वेलोसिटी ए से बी तक निकालना है, सपोज मान लेते हैं यहां पे वेलोसिटी वी ए था और यहां पे वेलोसिटी वी बी था, इसको यहाँ पे टाइम T1 पे स्टार्ट हुआ और ये T2 टाइम पे वहां पहुंचा, तो एवरेज वेलोसिटी क्या हो जाएगा, डेल्टा वी बाई डेल्टा टी, मतलब चेंज इन वेलोसिटी डिवाइडेड बाई टाइम टेकन। डेल्टा टी को कह सकते हैं, चेंज इन टाइम नहीं कहा जाता है, टाइम टेकन जनरली कहा जाता है। तो ये हो जाएगा वी बी माइनस वी ए डिवाइडेड बाई T2 माइनस T1। तो ये हमारा एवरेज वेलोसिटी हो गया, सॉरी एवरेज एक्सेलरेशन हो गया। दूसरा क्या है, इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन। यहाँ पे भी सेम चीज है कि अगर एक्सेलरेशन किसी इंस्टेंट पे निकालना है तो वो इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन कहलाता है। इसको भी क्या करेंगे, डिफ्रेंशिएट कर देंगे टाइम के रिस्पेक्ट में वेलोसिटी को और टी इक्वल टू टी पुट कर देंगे, जिस जिस टाइम पे हमें चाहिए टी के जगह पर वो टाइम पुट कर देंगे तो हमें इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन आ जाएगा उस टाइम का, ठीक है ना। ये हमारा बहुत ही सिंपल सा चीज़ है, कुछ भी इसमें डिफिकल्ट नहीं। जैसे वेलोसिटी में क्या था, डिस्टेंस को हमने डिफ्रेंशिएट कर दिया टाइम के रिस्पेक्ट में और फिर टाइम का वैल्यू पुट कर दिया तो हमारा इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी आ गया, उसी तरीके से एक्सेलरेशन में भी हो रहा है। तो ये हमारा बहुत ही सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, आई होप कि सबको समझ आ गया होगा। अब हम इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस करते हैं जो कि हमारा कॉन्सेप्ट पता चलेगा कि कैसे कॉन्सेप्ट अप्लाई करते हैं, क्वेश्चंस जब करके देखेंगे तो समझ आएगा कि वो सब कॉन्सेप्ट्स को हम कैसे अप्लाई करते हैं, उसका क्वेश्चंस में क्या क्या एप्लीकेशन है, तो इन सब चीज़ों को अभी हम लोग देखते हैं, ठीक है ना। चलिए स्टार्ट करते हैं, फिर क्वेश्चन पढ़ते हैं पहले। तो अ कार कवर्स हाफ ऑफ इट्स डिस्टेंस, एक कार है जो कि अपना हाफ ऑफ डिस्टेंस 9 मीटर पर सेकेंड के साथ कवर करता है और अदर हाफ 6 मीटर पर सेकेंड के साथ कवर करता है। तो सबसे पहले देखते हैं, डायग्राम बना लेते हैं, क्या बोल क्या रहा है क्वेश्चन। क्वेश्चन बोल रहा है कि सपोज एक कार यहाँ से स्टार्ट हुआ और ये यहाँ तक गया है, ये हमारा पॉइंट बी है और ये हमारा पॉइंट ए है। टोटल डिस्टेंस इसका हम मान सकते हैं एस, कुछ भी मान सकते हैं, या एक्स मान लेते हैं, है ना, ज़्यादा अच्छा रहेगा। टोटल डिस्टेंस हमें कुछ पता नहीं है तो हम उसको एक्स मान लेते हैं। चलिए,
तो वो x बाई टू डिस्टेंस, ये जो यहाँ से लेकर के यहाँ तक का जो डिस्टेंस है वो 9 मीटर पर सेकेंड के साथ कवर किया है, और बाकी का जो डिस्टेंस है x बाई टू, मतलब बाकी का जो आधा डिस्टेंस है वो 6 मीटर पर सेकेंड के साथ वो कवर किया है। ये बेसिकली क्वेश्चन कह रहा है। तो हम कैसे सॉल्व करेंगे ये देखते हैं। बहुत ही सिंपल है, हमें पता है, वी नो दैट, वी नो, क्या हमें पता है पहले ये समझते हैं, वी नो दैट एवरेज वेलोसिटी इज इक्वल टू डेल्टा एस बाई डेल्टा टी, मतलब टोटल डिस्प्लेसमेंट बाई टोटल टाइम टेकन। तो हमें टोटल डिस्प्लेसमेंट तो पता है, एक्स है यहाँ पे, लेकिन टाइम कितना लग रहा है ये नहीं पता है। तो चलिए सबसे पहले टाइम निकालते हैं। तो अगर मैं टाइम निकालना चाहता हूँ तो यहाँ पे सपोज T1 टाइम लगा है और यहाँ पे T2 टाइम लगा है, तो हमें डिस्टेंस पता है, वेलोसिटी पता है, तो क्या टाइम नहीं निकल जाएगा? तो T1 का वैल्यू क्या हो जाएगा? डिस्टेंस बाई वेलोसिटी, तो x बाई टू डिवाइड बाई 9। T2 का वैल्यू हो जाएगा x बाई टू डिवाइड बाई 6। तो देखा जाए तो T1 क्या है, T1 हो गया हमारा x बाई 18 और T2 हो गया x बाई 12। तो हमें दोनों टाइम भी पता है। तो अब अगर फाइनली हम लिखना चाहें एवरेज वेलोसिटी का फॉर्मूला यहाँ पे, तो हो जाएगा x डिवाइडेड बाई T1 प्लस T2। अब हम लोग यहाँ पे T1 और T2 का वैल्यू सब्सटीट्यूट कर देते हैं। तो अगर हमें एवरेज वेलोसिटी निकालना है तो ये हो गया x डिवाइडेड बाई x बाई 18 प्लस x बाई 12। अब अगर हम इसका LCM लेते हैं तो ये हो जाएगा 2x प्लस 3x बाई 36 और ऊपर में x हो जाएगा। अब इसको 36 यहाँ से ऊपर चला जाएगा और ये बेसिकली वेलोसिटी, एवरेज वेलोसिटी क्या बन जाएगा, 36x डिवाइडेड बाई 5x, जो कि हो जाएगा हमारा 7.2 मीटर पर सेकेंड। तो ये हमारा फाइनल रिजल्ट आ गया एवरेज वेलोसिटी का। होप कि सबको समझ में आ गया होगा, ये काफ़ी सिंपल था। हमने क्या किया, टोटल डिस्प्लेसमेंट हमने मान लिया x है और टाइम को x के रिस्पेक्ट में ही निकाल लिया, उसको डिवाइड किया तो x x कैंसिल आउट हो गया और यहाँ से हमें टाइम का वैल्यू पता चल गया। चलिए आगे देखते हैं। क्वेश्चन क्या बोल रहा है, अ मैन वॉक्स विथ स्पीड ऑफ 3 मीटर पर सेकेंड फॉर हाफ ऑफ द टाइम एंड विथ वेलोसिटी ऑफ 2 मीटर पर सेकेंड फॉर द अदर हाफ टाइम। मतलब वो आधा टाइम 3 मीटर पर सेकेंड के साथ ट्रेवल किया है और बाकी का आधा टाइम 2 मीटर पर सेकेंड के साथ ट्रेवल किया है। तो यहाँ पे डिस्टेंस नहीं, टाइम आधा आधा दिया हुआ है। तो यहाँ से स्टार्ट किया और मान लेते हैं यहाँ तक वो गया, ये हमारा बी पॉइंट है, ये हमारा ए पॉइंट है। वो यहाँ से स्टार्ट किया सम T1 टाइम तक, टोटल डिस्टेंस यहाँ भी मैं मान लेता हूँ x है और ये T1 टाइम में मान लेते हैं यहाँ पहुँचा होगा और ये T2 टाइम लगा। ये डिस्टेंस x1 है और ये डिस्टेंस x2 है, कोई दिक्कत नहीं है। वेलोसिटी यहाँ पे कितना है, 3 मीटर पर सेकेंड और यहाँ पे 2 मीटर पर सेकेंड। तो सब कुछ हमें यहाँ पे मैंने लिख दिया डायग्राम में। अब इसको सॉल्व करते हैं। तो अगर सॉल्व करना है तो हमें फॉर्मूला पता है वेलोसिटी एवरेज का, अगर हम बात करें तो ये हो जाएगा डेल्टा एस डिवाइडेड बाय डेल्टा टी। डेल्टा एस तो टोटल यहाँ पे एक्स है और टाइम हमें नहीं पता है, तो टाइम को हम T1 मान लेते हैं और T2 मान लेते हैं। लेकिन यहाँ पे एक चीज़ तो गिवन है ना कि T1 और T2 दोनों इक्वल है, T1 और T2 दोनों इक्वल है, जो कि T/2 है। अगर टोटल टाइम का मैं बात करूँ तो T/2 है। तो यहाँ पे हमें x को हम लिख सकते हैं x1 प्लस x2। यहाँ पे अगर हम x1 प्लस x2 लिख दें और टाइम को सिंपली t मान लें, अब देखते हैं क्या हो रहा है। अगर ऐसा करके देखते हैं तो देखते हैं क्या होता है। तो हमें वेलोसिटी पता है, हमें टाइम पता है, तो क्या हम डिस्प्लेसमेंट नहीं निकाल सकते हैं? तो अगर मैं x1 कैलकुलेट करना चाहूँ तो ये हो जाएगा 3 इंटू क्या हो जाएगा, वेलोसिटी इंटू टाइम, दैट इज इक्वल टू T/2। अगर मैं x2 का बात करूँ तो ये हो जाएगा 2 इंटू T/2, है ना। चलिए वैल्यू पुट करते हैं, तो ये हो जाएगा x1 हो जाएगा 3T/2 प्लस 2T/2, तो ये सिंपली t हो जाएगा और डिवाइडेड बाय t, यही है ना। यहाँ से अगर हम t को कैंसिल आउट कर दें तो क्या हो जाएगा वेलोसिटी, एवरेज वेलोसिटी हमारे पास ये हो जाएगा 3/2 प्लस 1, दैट इज इक्वल टू 2.5। तो हमारे पास एवरेज वेलोसिटी का क्या वैल्यू आया, 2.5 मीटर पर सेकेंड। काफ़ी सिंपल है ना, पिछले केस की तरह। चलिए अब आगे बढ़ते हैं, थर्ड केस मैं ले रहा हूँ।
ये काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है, मतलब कॉन्सेप्चुअली काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है। पहले तो आप क्वेश्चन समझिए ध्यान से। एक कार है जो यहाँ से स्टार्ट हो रहा है, वो 1/4 डिस्टेंस, जैसे मान लेते टोटल डिस्टेंस x होता है, तो मैं x by 4 डिस्टेंस जो है वो एक नॉर्मल एक्सेलरेशन के साथ 5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर के साथ ट्रेवल किया है। उसके बाद जो आधा डिस्टेंस है, मतलब कि x by 2 डिस्टेंस ट्रेवल किया है कॉन्स्टेंट वेलोसिटी के साथ, मतलब यहाँ से यहाँ तक बढ़ के जो इसका वेलोसिटी हो गया उसी वेलोसिटी के साथ बाकी का ट्रेवल किया है, और फाइनली वो डी एक्सेलरेट होकर के बाकी का x by 4 डिस्टेंस ट्रेवल किया और यहाँ पर रेस्ट पे आ गया है। ठीक है, तो इस क्वेश्चन को काफ़ी अच्छे से पहले समझते हैं। तो इसका टाइम मान लेता हूँ मैं T1, ये वाला टाइम T2 और ये वाला टाइम T3। तो अगर मैं वेलोसिटी एवरेज का फॉर्मूला यहाँ पे लिखूँ तो ये हो जाएगा x डिवाइडेड बाई T1 प्लस T2 प्लस T3, है ना, क्योंकि यहाँ पे टाइम तो हमें एक भी नहीं पता है ना। तो बेसिकली हमें यहाँ काम यही करना है कि हमें तीनों का टाइम निकालना है। अब टाइम कैसे निकलेगा, तो बहुत सिंपल है। हम यहाँ का बात करें, अगर मैं इस पॉइंट को ए बोल दूँ, इस पॉइंट को बी, इस पॉइंट को सी और इस पॉइंट को डी, तो अगर मैं ए बी के लिए बात करूँ तो मैं लिख सकता हूँ एस इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, ये मैं लिख सकता हूँ। हमें सब कुछ पता है, हमें डिस्प्लेसमेंट पता है, हमें एक्सेलरेशन पता है, हमें सब कुछ पता है। तो यहाँ पे अगर मैं डिस्प्लेसमेंट का बात करूँ तो ये हो जाएगा एक्स बाई फोर इज इक्वल टू इनिशियल वेलोसिटी जीरो है तो ये टर्म जीरो हो गया, हाफ इंटू एक्सेलरेशन कितना है 5 और टी हमें पता है T1 स्क्वायर। तो यहाँ से अगर मैं T1 का वैल्यू लिखना चाहूँ तो ये क्या हो जाएगा, ये 2 कैंसिल आउट हो गया, ये हो गया एक्स बाई अंडर रूट ऑफ 10। चलिए अब अगर मुझे T2 निकालना है तो मुझे यहाँ का वेलोसिटी तो पहले निकालना पड़ेगा ना, कि यहाँ का वेलोसिटी कितना है VB। तो वेलोसिटी अगर मैं VB निकालना चाहूँ, अगर मैं VB निकालना चाहूँ तो इसका मतलब क्या है, U प्लस AT हो जाएगा, और हमें पता है कि इनिशियल वेलोसिटी तो जीरो था और एक्सेलरेशन 5 था और टाइम है x बाई 10, ये हमारा टाइम हो गया। ठीक है ना, तो ये हमारा फाइनल वेलोसिटी VB आ गया। अब इसके बाद हमें क्या करना है, हमें यहाँ का डिस्टेंस पता है, मतलब डिस्प्लेसमेंट पता है, वेलोसिटी पता है, तो हम टाइम निकाल लेते हैं। तो T2 का वैल्यू कैसे निकलेगा, ये हो जाएगा x बाई 2 और डिवाइडेड बाई क्या हो जाएगा, डिस्टेंस बाई वेलोसिटी, तो ये हो जाएगा 5x बाई रूट 10। अब इसको जब आप सॉल्व करके लाइएगा तो इसका भी वैल्यू आ जाएगा x बाई 10 का अंडर रूट। ठीक है ना, और यहाँ पे डिस्टेंस हमें पहले से पता है, जो कि टोटल डिस्टेंस x हमें दिया हुआ है दैट इज इक्वल टू 400 मीटर, इसको मैं x बोल देता हूँ, s ना बोल करके, ये हमें पहले से गिवेन है दैट x इज इक्वल टू 400 मीटर। तो ये बाद में यूज़ करेंगे, अभी फिलहाल हम लोग x के टर्म में ही निकालते हैं। ठीक है ना, चलिए तो T2 पता चल गया, और T2 को और T3 के लिए जब आप सॉल्व करेंगे तो ये भी T1 के बराबर ही होगा। क्यों होगा T1 के बराबर, क्योंकि जितना टाइम में ये एक्सेलरेट होकर के इस वेलोसिटी तक पहुंचा है उतना ही टाइम लगेगा ना उसको डी एक्सेलरेट होने में भी, क्योंकि दोनों का मैग्नीट्यूड तो सेम है। तो 0 से 10 तक पहुंचने में उसको जितना टाइम लग रहा है, 10 से 0 पहुंचने में भी तो उतना ही टाइम लगेगा ना, तो इसलिए T1 और T3 तो बराबर है। तो अगर मैं एवरेज वेलोसिटी का यहाँ पर बात करूँ, एवरेज वेलोसिटी तो ध्यान से देखिए सब लोग, ये हो जाएगा x बाई रूट टेन प्लस एक्स बाई रूट टेन प्लस एक्स बाई रूट टेन, क्योंकि तीनों का वैल्यू सेम है, देख रहे हैं ना, T1 T2 और T3 तीनों का वैल्यू सेम है। चलिए ये हो गया x डिवाइडेड बाई 3 इंटू अंडर रूट ऑफ एक्स बाई 10। अब हम x का वैल्यू यहाँ पे पुट कर सकते हैं, x का वैल्यू कितना था 400 मीटर था, तो अगर मुझे मैग्नीट्यूड चाहिए तो मैं यहाँ पे वैल्यू पुट कर दूंगा, ये हो जाएगा 400 डिवाइडेड बाई 3 इंटू अंडर रूट ऑफ 40, है ना, 400 बाई 10 40। अब इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ, 10 इंटू अंडर रूट ऑफ 40 बाई 3, है ना, तो वेलोसिटी एवरेज क्या आ जाएगा, बोलिए 1.33 इंटू अंडर रूट ऑफ 40 मीटर पर सेकेंड। समझ आया, तो ये हमारा एवरेज वेलोसिटी आ गया थ्रू आउट द मोशन का। कितना सिंपल है, बस स्टेप बाय स्टेप हम लोग को कॉन्सेप्ट अप्लाई करते जाना है। जैसे पहले अगर हमको
टाइम चाहिए था तो हमने डिस्प्लेसमेंट का फॉर्मूला यूज़ कर लिया, डिस्प्लेसमेंट इज इक्वल टू हाफ ए टी स्क्वायर वाला फॉर्मूला। फिर हमें वेलोसिटी चाहिए था तो हमने वी इक्वल टू यू प्लस ए टी यूज़ कर लिया। तो बेसिकली हमें इक्वेशंस को ही यूज़ करते रहना है। चलिए अब थर्ड क्वेश्चन ये देखते हैं, ये भी काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है, इसको ध्यान से समझिएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे इक्वेशन क्या दिया हुआ है, बोल रहा है कि इक्वेशन ऑफ पाथ जो है वो x इक्वल टू 5t स्क्वायर माइनस 3t प्लस 2 दिया हुआ है। ये इक्वेशन ऑफ पाथ है। इक्वेशन ऑफ पाथ का मतलब समझ रहे हैं ना कि किसी भी टाइम पे वो कहाँ पे है, उसका पोजीशन क्या है वो हमें पता है। किसी भी टाइम पे यहाँ पे t का जो भी वैल्यू रखेगा वहाँ पे पोजीशन हमें दे देगा। जैसे अगर t का वैल्यू हम 0 रखते हैं तो इसका जो पोजीशन है वो 2 आ गया, t का वैल्यू 0। t का वैल्यू 1 रखेंगे तो 5 माइनस 3 प्लस 2 कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा। तो बेसिकली ये दिया हुआ है कि उसका पोजीशन टाइम के रिस्पेक्ट में दिया हुआ है। अब हम लोग को यहाँ पे क्या फाइंड क्या करना है, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी एंड एक्सीलरेशन एट टी इक्वल टू 3 सेकंड पे। तो चलिए यहाँ पे एवरेज नहीं, हमें इंस्टेंटेनियस फाइंड करना है। तो वी नो दैट, हमें पता क्या है, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी का फॉर्मूला पता है, दैट वी इंस्टेंटेनियस इज इक्वल टू डी एक्स बाई डी टी एट टी इक्वल टू 3 सेकंड पे फाइंड करना है तो 3 पे यहाँ लिख देंगे। चलिए लिखते हैं। अब डिफ्रेंशिएट करेंगे, अगर हम 5t स्क्वायर माइनस 3t प्लस 2 को अगर हम डिफ्रेंशिएट करेंगे तो क्या आएगा, 10t माइनस 3 आ जाएगा। ये हमारा इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। और जैसे यहाँ पे t का वैल्यू 3 रखेंगे तो क्या आ जाएगा, 10 इंटू 3 30 माइनस 3 27 मीटर पर सेकेंड। सो वेलोसिटी क्या आ गया, 27 मीटर पर सेकेंड। ये हमारा पहला पार्ट है। दूसरा बोल रहा है एक्सेलरेशन भी फाइंड करना है। सो वी नो, अगर एक्सेलरेशन इंस्टेंटेनियस का बात करें तो ये हो जाएगा डी वी बाई डी टी एट टी इक्वल टू 3। तो अगर मैं डी वी बाई डी टी को मतलब वेलोसिटी को इंटीग्रेट करूँ, डिफ्रेंशिएट करूँ तो क्या आ जाएगा, एक्सेलरेशन का वैल्यू आ जाएगा 10। अब ये कॉन्स्टेंट आ रहा है, कॉन्स्टेंट आने का क्या मतलब है कि थ्रू आउट द मोशन उसका एक्सेलरेशन कॉन्स्टेंट है, वेलोसिटी चेंज हो रहा है बट एक्सेलरेशन कॉन्स्टेंट है। तो अगर हम t इक्वल टू 1 पे बात करें या 2 पे बात करें या 3 4 किसी टाइम पे बात करें, अगर एक्सेलरेशन कांस्टेंट है तो सेम होगा ना हर जगह पे। तो यहाँ पे भी एक्सेलरेशन सेम होगा, तो इंस्टेंटेनियस जो एक्सेलरेशन है t इक्वल टू 3 पे वो हो जाएगा 10 मीटर पर सेकेंड। क्यों होगा, सिंस a इज कांस्टेंट, या फिर कह सकते एक्सेलरेशन इज कांस्टेंट। चलिए अब सेकेंड पार्ट में क्या पूछ रहा है, ये हमारा फर्स्ट पार्ट था। सेकेंड पार्ट में बोल रहा है कि टाइम व्हेन द पार्टिकल स्टॉप्स, मतलब पार्टिकल स्टॉप कर गया है उसका वो टाइम क्या है कि पार्टिकल स्टॉप कर जाए। तो हमें वेलोसिटी का इक्वेशन पता है 10t माइनस 3। चलिए अगर मैं बात करूं कि स्टॉप कर गया है तो एट स्टॉप एट रेस्ट में क्या होता है, वेलोसिटी 0 होता है। तो जैसे ही मैं वेलोसिटी को 0 पुट करूंगा तो ये हो जाएगा 10t माइनस 3 इक्वल टू 0 हो जाएगा। और यहाँ से अगर मैं टी का वैल्यू लिखूँ तो 0.3 सेकेंड हो जाएगा। तो किस टाइम पे वो ऑब्जेक्ट रुक गया था, वो ऑब्जेक्ट किस टाइम पे रुका था, 0.3 सेकंड पे, वो थोड़ी देर के लिए मतलब होता है ना एक इंस्टेंट के लिए वो रेस्ट पे आया था फिर चलने लगा होगा। तो हम लोग को सिर्फ उस टाइम का वैल्यू पूछ रहा है जब वो रेस्ट पे है, ठीक है। तो ये प्रॉपरली आज हमने पहला टॉपिक जो था मतलब 1D मोशन का पहला टॉपिक हमने आज कवर किया है। यहाँ पे हमने इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी, एवरेज वेलोसिटी, इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन, एवरेज एक्सेलरेशन, इन सब चीज़ों के बारे में पढ़ा। आई होप कि ये वाला टॉपिक क्लियर हो गया होगा सबको, किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं होगा इसे समझने में। काफ़ी सिंपल है, कुछ इसमें डिफिकल्ट या कुछ भी बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड नहीं है, बहुत ही सिंपल टॉपिक है, ठीक है ना। तो चलिए फिर बाकी का फिर अब अगले क्लास में करते हैं। बाय ऑल ऑफ यू।